हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने हिस्टेरेसिस लॉस पढ़े थे। आज हम एडी करंट लॉस को डिस्कस करेंगे। एडी करंट, जिसे हम भंवर धारा के नाम से जानते हैं, भंवर जो एकदम सर्कुलर पाथ में घूमे है ना, उसको कहते हैं भंवर। तो ये मैंने ट्रांसफॉर्मर का एक 3D व्यू आपको दिखाया है। इसमें ये प्राइमरी साइड है जिसमें AC सप्लाई दी है, करंट I फ्लो होगी। इस करंट की वजह से इसमें कोर में एक फ्लक्स सेटअप हो जाएगी जिसकी नेचर अल्टरनेटिंग होगी, अर्थात टाइम के साथ वेरी करेगी। टाइम वेरिएंट फ्लक्स की वजह से कोर के अंदर एक EMF जनरेट हो जाएगा और उसकी वजह से एक सर्कुलर पाथ में करंट प्रोड्यूस होगी, जिसे हम भंवर धारा या एडी करंट के नाम से जानते हैं। यदि कोर का रेजिस्टेंस R हो और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, अर्थात एडी जो करंट है वो I है, तो एडी करंट लॉस I² × R हो जाएगा। यहाँ I एडी करंट और R कोर का रेजिस्टेंस है। ओके, अब बात करते हैं कि इस एडी करंट लॉस को कम कैसे किया जाए और ये एडी करंट लॉस होता कितना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, एडी करंट लॉस इज इक्वल्स टू K × T² × B maximum² × F² × वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ K एक कांस्टेंट है, T लेमिनेशन की थिकनेस है जो कोर के अंदर अपन यूज करेंगे, बी मैक्सिमम ये मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, एफ फ्रीक्वेंसी है और वॉल्यूम ये कोर की वॉल्यूम है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो एडी करंट लॉस है वो थिकनेस, लेमिनेशन की थिकनेस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, अर्थात जैसे जैसे लेमिनेशन की थिकनेस हम बढ़ाएंगे एडी करंट लॉस बढ़ता जाएगा। सेकंड पॉइंट है, बी मैक्सिमम की पावर 2 के प्रोपोर्शनल होगा, अर्थात यदि कोर में फ्लक्स डेंसिटी को अपन इंक्रीज करते हैं तो एडी करंट लॉस भी इंक्रीज हो जाएगा, और सिमिलरली एडी करंट लॉस फ्रीक्वेंसी के भी प्रोपोर्शन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अब बात करते हैं कि एडी करंट लॉस को कम कैसे किया जाए। तो एडी करंट को कम करने के लिए हम लेमिनेटेड कोर यूज करेंगे। लेमिनेटेड कोर मीन्स पतली पतली स्ट्रिप में बांट देंगे कोर को और दो स्ट्रिप्स को वार्निश के साथ जोड़ देंगे। इससे होगा क्या कि जो करंट प्रोड्यूस होगी कोर के अंदर वो कंप्लीट कोर में फ्लो ना होके सिर्फ उस लेमिनेशन के अंदर ही फ्लो हो पाएगी, जिससे मीन पाथ लेंथ ऑफ करंट इंक्रीज हो जाएगी। एंड वी नो दैट R इज इक्वल्स टू ρL/A। तो यदि लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और यदि रेजिस्टेंस बढ़ गया तो एडी करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से कोर को लेमिनेट करके हम एडी करंट लॉस को कम कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है रेजिस्टेंस को बढ़ाने का? दूसरा तरीका हो सकता है कि हम रेजिस्टिविटी को बढ़ा दें। तो रेजिस्टिविटी तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो रेजिस्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें मटेरियल में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना होगा। तो उसके लिए हम मटेरियल के अंदर सिलिकॉन ऐड कर देते हैं। हम जो मेटेरियल यूज करते हैं उसको बोलते हैं CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। तो हमने इसमें सिलिकॉन ऐड कर दी, तो सिलिकॉन ऐड करने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। अब हम सिलिकॉन कितनी ऐड कर सकते हैं? जितनी सिलिकॉन ऐड करेंगे उतनी रेजिस्टिविटी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन यदि ज़्यादा सिलिकॉन ऐड कर देते हैं तो उससे कोर ब्रिटल हो जाती है, अर्थात भंगुर हो जाती है। तो कोर भंगुर हो जाए इस लिमिट तक हमें ये नहीं मिलाना है ना, तो थोड़ा सा कम रखना है सिलिकॉन की वैल्यू।
ओके, तो इस तरीके से दो तरीके हैं जिससे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो एडी करंट कम हो जाएगा, और एडी करंट कम हो जाएगा तो उसकी वजह से होने वाले लॉसेज जिनको हम कहते हैं एडी करंट लॉस, वो कम हो जाएंगे। तो इस लेक्चर से आपको दो चीज़ें याद रखनी हैं, एक तो एडी करंट लॉस का फॉर्मूला जो होता है के इंटू टी स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर इंटू बी मैक्सिमम का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। यहाँ न्यूमेरिकल जो बनता है वो डायरेक्ट कहाँ से बनता है कि पी एडी इज प्रोपोर्शनल टू बी एम स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर, आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी आपको थिकनेस से डायरेक्ट रिलेशन पूछ लेते हैं कि लेमिनेशन की थिकनेस यदि ज़्यादा करेंगे, मोटाई ज़्यादा करेंगे तो एडी करंट लॉस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अपन देख सकते हैं कि एडी करंट लॉस बढ़ जाएगा, ठीक है। एक तो यहाँ से बनता है। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि एडी करंट लॉस को कम करना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है जो बिल्कुल परफेक्ट है और करेक्ट है, वो है कि लेमिनेशन यूज करें, लेमिनेटेड कोर यूज करें। एंड सेकंड जो ऑप्शन है वो ये है कि उसमें सिलिकॉन ऐड कर दें। सिलिकॉन ऐड करने से एडी करंट लॉस भी कम होता है, साथ साथ हिस्टेरेसिस लॉस भी कम हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने एडी करंट लॉस पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर में अपन हिस्टेरेसिस लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।